जी आप माँ की बहन की लड़कियों की बेटियों के यूनिट नहीं छोड़ा, ये अननेसेसरी यहाँ पर हरासमेंट कर रहे हैं, ये जानबूझकर ये फर्स्ट रेट करना चाहते हैं और रेडिकलाइज करना चाहते हैं इसको, क्योंकि ये देख रहे हैं हर जगह पर कि वोटिंग जो है अच्छी हो रही है जी। और इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है बाहर निकालने की कोशिश में ये लोग सारे यहाँ पर आकर धक्का मुक्की करने लगे। उसके बाद हमारे शगुन परिहारी को उन्होंने भी उनको भी धक्का मुक्का की उनके साथ। उसके बाद जब ये यहाँ पर हंगामा करने लगे तो मैं सामने खड़ा था, वहां पर उसने गाली गलौज शुरू की, माँ और बहन की गालियां निकालने लगा। उसमें मैंने ऑब्जेक्शन की उसको कि तू गालियां क्यों निकाल रहा है, उस पर उन्होंने धक्का मुक्की मेरे साथ भी की। कैंडिडेटिंग किश्तवाड़ से, तो क्या मसला हुआ ये जो आज किश्तवाड़ के अंदर हंगामा भी देखने को मिला? भारतीय जनता पार्टी को कहीं लग रहा है कि मुसलमान जो है वो वोट ज्यादा तादाद में निकल के दे रहा है, उसको रोकने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्होंने एक पोलिंग स्टेशन पे आज धावा बोला, वहाँ पे जो फीमेल वोटर्स थी उनको इंटिमिडेट किया, उनको धक्के दिए और उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक करने लगी। मैं किसी और पोलिंग स्टेशन पे था जब वर्करान का फोन आया तो मैं वहाँ पे पहुंचा, मैंने उनको कहा कि देखिए आप मेरी बहन हैं, मेरी बेटी की तरह हैं, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन उनके वालिद जो है मेरे बड़े भाई की तरह थे। मैंने कहा आप अंदर चलिए, हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात करेंगे, अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोलिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, तो मैं किसी भी सूरत में पोलिंग होने नहीं दूंगी। उस पर मैंने वहां अंदर दरवाजा खोला, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोला कि क्या कोई कैंडिडेट आइडेंटिटी कार्ड चेक कर सकता है, फिर हम भी जाके दूसरी जगह पर आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा प्रोवोकेटिव है, अगर कोई एजेंट ऑब्जेक्शन रेज करता है तो फिर करेंगे। उसके बाद बीजेपी के वर्करों ने सीधा जो है पोलिंग स्टेशन पर धावा बोला, वो जो है वो किसी तरीके से वहां पे माहौल खराब करना चाहते थे, पोलिंग को रोकना चाहते थे। मैंने बार बार पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि इन लोगों को यहां से निकालिए ताकि पोलिंग दोबारा से शुरू हो, लेकिन पुलिस को 1.5 घंटा लगा 4 बीजेपी वर्करों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकालने का। इससे साफ तौर पर पता लगता है कि किस तरह से पुलिस बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। जब मैंने जब ये हो रहा था तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने 4 बार मुझे धक्के मारे और मुझे खामोश करने की कोशिश की, तो मैं उनको ये कह रहा था कि मैं भी कैंडिडेट हूं। जो ही मैंने उनको कहा ये कि मैं कैंडिडेट हूं, उन्होंने मुझ पर असाल्ट किया, थप्पड़ लगाया, उन्होंने मुझे लाते मारी इन फुल पब्लिक व्यू। तो इससे साफ तौर पर यह लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के जो ऑफिसरान हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी को खुश करने के चक्कर में, अपनी पोस्टिंग्स के चक्कर में वो यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं, यहाँ का पुरामन तरीके से जो वोटिंग हो रही है उसको खराब करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो मुस्लिम वोट की परसेंटेज है उसको कम करना चाहते हैं। Karpov! Nana, Karpov! Karpov!